गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मानव संसाधन का। कल हमने बात की थी कि मानव एक स्वयं भी संसाधन है, और संसाधन को हम परिभाषित करते हैं सबसे पहले, यानी मानव के लिए वह पदार्थ जो प्रत्येक पदार्थ उपयोगी हो वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। और मानव स्वयं भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि मानव के अगर ऊपर निवेश किया जाए, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, तो मानव भी क्या है कि एक संसाधन के रूप में अच्छी तरीके से परिवर्तित हो सकता है। जो भूमि है, जो श्रम है, भौतिक संसाधन है, इससे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है मानव पूंजी, मानव संसाधन। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जनसंख्या संबंधित कुछ आंकड़ों की, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि राजस्थान की जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार कितनी है, तो ध्यान रखना 6,86,21,012 क्या है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या बताई गई है। बात आती है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 किलोमीटर है वो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बताया गया है। बात आती है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,479 किलोमीटर है वो भारत का क्षेत्रफल बताया गया है। ध्यान रखना कि इसमें से क्वेश्चन प्रमुखतः बनते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, और कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। कई बार जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार से तीनों चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, राजस्थान का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल और राजस्थानी कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, क्वेश्चन कई बार बनता है। बात आती है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राजस्थान है अपना, राजस्थान में कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताया गया है, तो ध्यान रखना हमारा जो जिला है जयपुर वो क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो राजस्थान में बताया गया है। अब बात आती है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ध्यान रखना 66,63,971 है ये जयपुर की कुल जनसंख्या बताई गई है। ध्यान रखना जयपुर क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। बात आती है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है, सबसे अधिक की तो बात हमने कर ली जयपुर है, अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या है वो कौन से जिले की है, तो ध्यान रखना जैसलमेर है उसकी जनसंख्या है वो सबसे कम बताई गई है। अब आते हैं जैसलमेर की कुल जनसंख्या कितनी है, ध्यान रखना 6,72,008 जनसंख्या किसकी है, जैसलमेर की है, जो अपने राजस्थान में कब सबसे कम है जनसंख्या बताई गई है। इस प्रकार दो नाम आपको याद रखना जरूरी है, सबसे अधिक वाला और सबसे कम वाला। सबसे अधिक कौन है, राजस्थान में जयपुर, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि चूरू की जनसंख्या है वो कितनी जनसंख्या है 2011 के अनुसार, तो ध्यान रखना 20,41,171 है वो चूरू की कुल जनसंख्या बताई गई है। अब बात करते हैं कि चूरू का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, जैसे हमने बात की थी भारत के क्षेत्रफल की, हमने बात की थी राजस्थान के क्षेत्रफल की, ठीक उसी प्रकार क्या है कि चूरू का क्षेत्रफल कितना है, 13,858 किलोमीटर है वो क्या है, चूरू का कुल क्षेत्रफल बताया गया है। बात आती है कि चूरू का घनत्व कितना है, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग कितने लोग हैं वो निवास करते हैं प्रमुखतः, तो ध्यान रखना 148 व्यक्ति है वो लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुखतः रहते हैं, निवास करते हैं। इस प्रकार हमने प्रमुख जगह की चर्चा की, उनकी जनसंख्या की, कौन कौन से जिले इसके हैं, इसके साथ हमने बात की जयपुर की और चूरू की, और इसके साथ हमने बात की राजस्थान की कुल जनसंख्या की, राजस्थान के क्षेत्रफल की और भारत के क्षेत्रफल की। बात आती है जनसंख्या वृद्धि, सबसे पहले बात आती है कि जनसंख्या वृद्धि है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि में किन तत्वों को प्रमुखतः शामिल किया गया है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या स्थान के निवासियों की संख्या में परिवर्तन से, यानी जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जब हम किसी क्षेत्र या किसी स्थान की जब हम जनसंख्या में देखते हैं जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन क्या है कि जिस आधार पे हम जनसंख्या के आंकड़े ज्ञात करते हैं उस आधार पे इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बात बताएगी किसी विशेष समय अंतराल में, यानी जो समय निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा हम जनसंख्या को ज्ञात करते हैं, तो वो समय अंतराल में किसी देश या स्थान के निवासियों की संख्या में, जो रहने वाले वहां की जनता है उसमें जब परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। बात आती है कि जनसंख्या में वृद्धि के रूप या प्रकार कौन कौन से हैं, तो प्रमुख रूप से हम बात करें जनसंख्या में वृद्धि या रूप की, तो प्रमुखतः इसके दो रूप बताए गए हैं।
दो रूप कौन कौन से बताए गए हैं? पहला रूप आता है सापेक्ष वृद्धि का और दूसरा आता है निरपेक्ष वृद्धि का। जनसंख्या वृद्धि के कितने रूप या प्रकार बताए गए हैं? दो रूप या प्रकार बताए गए हैं। पहला रूप कौन सा है इसका? सापेक्ष वृद्धि। और दूसरा रूप कौन सा है इसका? निरपेक्ष वृद्धि। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि सापेक्ष वृद्धि क्या है और निरपेक्ष वृद्धि क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है सापेक्ष वृद्धि की। सापेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, किसी विशेष समय के अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। जब हम सापेक्ष वृद्धि की बात करें तो किसी देश की या किसी स्थान की 10 वर्षों के अंतराल के बाद जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सापेक्ष वृद्धि कहते हैं। वापस एक बार, कि किसी देश या स्थान की जनसंख्या में निश्चित समय अंतराल यानी 10 वर्षों के बाद में उसकी जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे हम किस नाम से परिभाषित करते हैं? सापेक्ष वृद्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। अब आती है जनसंख्या के घटक के रूप में, प्रकार के रूप में, दूसरे प्रकार की, जिसे हमने निरपेक्ष वृद्धि कहा था। निरपेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझने का प्रयास करना इसको, कि पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त किया जाता है, यानी पहले की जो जनसंख्या है उसको क्या है? बाद की जनसंख्या में घटा दिया जाता है। जैसे हमें 2011 के आंकड़े अगर याद करें, अगर निरपेक्ष दृष्टि से, तो हम क्या करेंगे कि 2011 की जनसंख्या है उसको हम क्या करेंगे? 2001 की जनसंख्या में से इसको घटा देंगे। और घटाने के बाद में जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत होंगे वो कौन से आंकड़े प्रस्तुत होंगे? निरपेक्ष वृद्धि के है वो आंकड़े प्रस्तुत होंगे। तो एक प्रकार से क्या है कि जो जनसंख्या है उसको, जो पूर्व जनसंख्या के आंकड़े हमने ज्ञात किए थे उसमें से हम घटा देते हैं तो जो निरपेक्ष वृद्धि है वो ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार हम जनसंख्या के घटक को, प्रमुख रूप से प्रकार को, दो भागों में विभाजन किया हमने। किस किस में? सापेक्ष वृद्धि में, और दूसरा किस में किया? निरपेक्ष वृद्धि में। इसका विभाजन प्रमुखतः किया है। हमने बात की अब तक जनसंख्या से संबंधित प्रमुख घटक या रूप है कौन कौन से, इसके बारे में प्रमुखतः बात की। इसके जो हमने बात की सापेक्ष वृद्धि की और निरपेक्ष वृद्धि की बात की, अब हम आगे चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि या कमी के घटक। जनसंख्या वृद्धि है या जनसंख्या में कमी होती है तो इसके प्रमुख रूप से घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात की थी प्रमुख घटक कितने बताए गए हैं। प्रमुख रूप से इसके तीन घटक बताए गए हैं। कितने घटक बताए गए हैं? तीन घटक बताए गए हैं। सबसे पहला घटक है वो है जन्म दर, दूसरा घटक है वो है मृत्यु दर, और तीसरा घटक क्या है? प्रवर्षण। तीन प्रकार से जनसंख्या वृद्धि या कमी के प्रमुख तीन घटक बताए गए हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवर्षण। इन तीनों का इफेक्ट क्या है कि जनसंख्या वृद्धि में या जनसंख्या कमी में प्रमुख रूप से पड़ता है। तो इन तीनों जो अपने कारण हैं, जो घटक है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो घटक आता है हमारा वो है जन्म दर। जन्म दर का मतलब होता है किसी देश में जनसंख्या वृद्धि दर है वो सामान्यतः किस गति से बढ़ रही है या किस गति से घट रही है, उसके आंकड़े प्रमुखता इसमें होते हैं। तो हम इसको परिभाषित करते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। बात आती है जन्म दर की। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, यानी एक वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों के बीच में जितने जीवित बच्चों का जो जन्म होता है उसे प्रमुखता जन्म दर कहते हैं। किसे कहते हैं जन्म दर? प्रति 1000 पुरुषों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे क्या कहा गया है? जन्म दर कहा गया है। बात आती है मृत्यु दर की, कि मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो मृत्यु दर का मतलब होता है कि अपने देश में जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो किस प्रकार से घट रही है या बढ़ रही है। इसके ऊपर भी क्या है कि जनसंख्या वृद्धि या कमी का प्रमुख कारण निर्भर करता है। तो हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। बात आती है मृत्यु दर की। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या, यानी एक वर्ष में जो 1000 पुरुष है उनके पीछे जो मरने वाले व्यक्ति है या लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, तो उसको हम प्रमुख रूप से क्या है? मृत्यु दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बात आती है तीसरे प्रमुख कारण की, प्रवसन की। प्रवसन का सामान्य अर्थ यह होता है कि किसी कारण से लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। अब इसके कारण बहुत सारे होते हैं जिनके आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं प्रवसन कहते कितने हैं, किसे कहते हैं सामान्यतः, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रवसन है व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, यानी एक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति जब दूसरे क्षेत्र में निवास करने लग जाते हैं तो क्या होता है कि प्रवसन हो जाता है और जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसके प्रमुख तीन घटकों की हमने बात की। पहला घटक है अपना जन्म दर,
दूसरा घटक आया मृत्यु दर, और तीसरा जो इसका प्रमुख कमी या घटक आया वो है प्रवेशन। तो परिवर्तन के बारे में थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। परिवर्तन प्रमुखता क्या है कि एक जिले का उसी जिले में हो सकता है, एक जिले का दूसरे जिले में हो सकता है, एक राज्य का दूसरे राज्य में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जब ये प्रवेशन एक देश के अंदर ही, अपने देश के अंदर ही क्या प्रवेशन होता है, तो उस देश की जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मान लो ये प्रवेशन जब एक देश से दूसरे देश में हो जाता है तो उस देश की जनसंख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब अपन बात करें जिले की, जब एक जिले से दूसरे जिले में क्या प्रवेशन बढ़ जाता है तो उस जिले की जनसंख्या बढ़ जाती है जिसमें प्रवेशन ज्यादा होता है, और जहां घटती है वहां जहां से लोग चले जाते हैं वहां की जनसंख्या कम हो जाती है, जहां दूसरे स्थान पर रहने लग जाते हैं वहां की जनसंख्या क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बात आती है आगे कि राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। अभी हमने बात की भारत की बात कर रहे थे हमने प्रीवियस वीडियो तक, अब बात कर रहे हैं कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जो जिला है जनसंख्या वृद्धि दर वाला वो कौन सा है। तो ध्यान रखना बाड़मेर है वो जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। ध्यान रखना यहां बात हम जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, न कि जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि दर से कौन सा है, जयपुर है अपना। जबकि क्या है, यहां बात कर रहे हैं हम जनसंख्या वृद्धि की, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो बाड़मेर है। बात आती है कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर है। इस प्रकार सबसे अधिक वृद्धि दर कौन से जिले में हुई है, बाड़मेर में हुई है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है वो कौन से जिले में हुई है, राजस्थान के गंगानगर जो जिला है उसमें कम जनसंख्या वृद्धि को प्रमुखता मिलती है। अब आती है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं, इन कारणों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना। सबसे प्रमुख कारण होता है कि जब जन्म दर है वो क्या है कि मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म दर है वो मृत्यु दर से क्या हो, अधिक हो। यानी जन्म तो बच्चे ज्यादा ले रहे हैं जबकि मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो कम है, जिस कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। बात आती है जन्म दर में वृद्धि होना, क्या है समय के साथ साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो रही है जबकि जो लोग मर रहे हैं उनकी जनसंख्या कम है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो रहा है। बात आती है स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या में वृद्धि, स्वतंत्रता के बाद यानी देश की आजादी के बाद में देखने को प्रमुखता मिलता है कि जनसंख्या वृद्धि जहां पहले प्रारंभ में धीरे धीरे बढ़ रही थी, वजह स्वतंत्रता के बाद में ये जनसंख्या वृद्धि है तीव्र गति से बढ़ने लगे और धीरे धीरे भारतीय जनसंख्या क्या है ज्यादा होने लगी, अधिक होने लग गई। बात आती है 1980 तक उच्च जन्म दर का होना। 1980 तक क्या है कि भारत में जो उच्च जनसंख्या का क्रम है वो लगातार बना रहा, लेकिन 1980 के बाद की बात करें तो धीरे धीरे भारत की जनसंख्या में क्या है कि वृद्धि दर है उसमें न्यूनतम सामान्य गिरावट देखने को प्रमुखता बताई गई है। बात आती है मृत्यु दर में कमी। अब आती है कि जनसंख्या वृद्धि या कमी का प्रमुख और कारण क्या होता है, मृत्यु दर में कमी। अब बात आती है कि स्वतंत्रता के पश्चात मृत्यु दर में गिरावट। हम देखते हैं कि आजादी के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद क्या है कि मृत्यु दर में गिरावट होने लगी। अब बात आती है मृत्यु दर में गिरावट होने का प्रमुख कारण क्या रहा कि धीरे धीरे जो मेडिकल है वो प्रोग्रेस कर रहा है, स्वास्थ्य तकनीक है उसमें सुधार हो रहा है। तो इन दोनों कारणों से क्या हो रहा है कि व्यक्ति की स्वास्थ्य में सेवा में सुधार हो रहा है, और स्वास्थ्य में सुधार होने का कारण क्या है कि व्यक्ति की जो जीवन की आयु है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ने का कारण क्या है कि मृत्यु दर में धीरे धीरे क्या है कमी हो रही है। बात आती है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। हम देखते हैं आजादी के समय की बात करें या 1980-90-2000 तक की बात करें तो उस समय स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भारत के पास अच्छी नहीं थी, और अच्छी होने के नहीं होने कारण क्या है लोगों को समय समय पर क्या है पर्याप्त रूप से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, पर्याप्त रूप से उनको इलाज नहीं हो पाता था, और इलाज नहीं होने कारण क्या होता था कि उनके स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ रहती थी। लेकिन धीरे धीरे भारत में क्या स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ जिस कारण क्या है मृत्यु दर में प्रमुखता कमी देखने को मिली है। बात आती है औसत आयु में वृद्धि। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय व्यक्ति की जो औसत आयु थी वो कम थी। औसत आयु उसे कहते हैं कि जन्म के पश्चात व्यक्ति की जो आयु निर्धारित की जाती है औसत अनुमान के आधार पर, उसे क्या है कि औसत आयु कहते हैं। तो वर्तमान समय में जो व्यक्ति की औसत आयु है वो लगभग 68 से 69 वर्ष बताई गई है। कितनी बताई गई है, 68 से 69 वर्ष है वो व्यक्ति के जीवन की औसत आयु बताई गई है। तो इस प्रकार प्रमुख रूप से कुछ बातें और है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें हमने प्रमुख रूप से चर्चा की जनसंख्या वृद्धि कारणों की। पहला जो अपना कारण आया वो आया जन्म दर में तो वृद्धि और मृत्यु दर में कमी।
दूसरा अपना प्रमुख कारण आया कि मृत्यु दर में लगातार क्या हो रही है, कमी आ रही है। कारण क्या प्रमुख है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार होना, जिससे क्या है कि व्यक्तियों की औसत आयु है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है।